ladies and gentlemen, welcome back. और जी अभी हमारे कुछ listeners कह रहे थे कि जी आपकी वीडियो तो आ ही नहीं रही और आपने कहा था कि जी आपकी तो वीडियो स्ट्रीमिंग होगी. वीडियो स्ट्रीमिंग आ चुकी है जी, आप हमें देख सकते हैं. और देखने के लिए जस्ट आपको ये करना है, या तो हमारी वेबसाइट पे जाइए www.power99.com.pk पे, और वहाँ पे लिंक मौजूद होगा. आप उस लिंक को अगर क्लिक करेंगे तो आप हमें लाइव देख भी सकेंगे. इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमारा चैनल पावर रेडियो 99 वहाँ पे लिखिए और जी वहाँ से आप लाइव हमें देख पाएंगे. मबरूक लकुमुल हाजिल में से अल जमील, आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो. आप ये जो कॉल से हम लेना स्टार्ट करते हैं 0511001009999 पे, और आज मैंने आपकी बहुत सारी कॉल्स लेनी है क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक आया है, जो आपकी सजेशंस आई है, वो ये आई है कि जी आज आपने बहुत ज्यादा कॉल्स लेनी है. हमने कॉल्स करनी है अपने अपनों को, हमने विशेष इतनी ढेर सारी देनी है, तो जी क्यों नहीं. तो मैंने आज सोचा है कि जी आपकी कॉल्स ज्यादा पिक करेंगे आज के दिन. और कल का जो दिन होगा, यानी कल मेरा शो होगा 9 बजे से लेके 11 बजे तक, तो कल जो है हम आपके साथ गेम शो खेलेंगे, एंड दैट विल बी द स्पेशल ईद गेम शो. लेकिन आज हम आपकी विशेष जो है वो आपके अपनों तक पहुंचाते हैं और आपकी कॉल्स पिक करते हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं 0561111009999 पे. तो जी हमारे फर्स्ट कॉलर कौन है? हमेशा ईद से मुझको यही पैगाम मिलता है, हमेशा ईद से मुझको यही पैगाम मिलता है. कोई कुर्बान होता है, किसी ईद होती है. वालेकुम सलाम. कैसी है शमा शाहीन? शमा शाहीन आपकी कॉल कैसे कैसे मिल जाती है? बस देख नहीं, जब आप आती है मैं तब से मिलाना शुरू कर देती हूँ. मुझे पता था आज अगर मेरी फर्स्ट कॉल मिली तो आप मुझसे पूछेंगे, अगर ना मिली फिर नहीं पूछेंगे. हाँ जी, तो जाहिर सी बात है, वो क्योंकि आपकी मिल जाती है ना अक्सर, तो हमारे अक्सर जो लिसनर्स हैं वो भी कहते हैं कि जी पता नहीं कैसे कॉल मिल जाती है आपकी. बस लकी होना इसलिए, बस प्लीज नजर नहीं कोई भी लगाइएगा, लिसनर से कहूंगी नजर नहीं लगाना. नजर नहीं लगाना, नजर बहुत ज्यादा बहुत वो कहते हैं ना, नजर पत्थर को भी फाड़ देती है, इतनी सख्त होती है. हाँ ना बिल्कुल. अच्छा तो क्या किया सुबह से आपने? मैंने सीरियसली कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत काम ठीक ही करवाया है घर में. बस बहने मेरी वो कह रही है और अम्मी जी ने किया है, इन्होंने किया है सब कुछ. और ड्रेस जो है जो उस दिन मैं पहन के आई थी वही मुझे पहनना पड़ेगा. अच्छा अच्छा. नहीं, तो आपने गोश्त वगैरह खाया है? मैंने कलेजी खाई थी थोड़ी सी खाने के साथ, उसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं खाया अभी तक. अच्छा तो कुछ खा लेना. आपने क्या रोजा रखा हुआ है? अभी रोजा नहीं रखा, पता है क्या खाऊंगी ना, रात में खाऊंगी, अभी दिल नहीं कर रहा ना. चलें सही है जी. भी मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा भूखा रहने की आदत हो. क्यों जी भूखा रहने की क्यों आदत हो? अल्लाह ताला ने अगर आपके पास ये नेमत खाना भेजा है ना तो इसको खाएं. तो है आप ही अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो है, लेकिन इसको खाना चाहिए, फिर भूखा नहीं रहना चाहिए. नहीं नाराज हो जाएगा खाना वरना शम्मा शाहीन से. स्मार्ट होने की कोशिश कर रही हूँ. अच्छा डाइटिंग ऐसे नहीं होती है. फिर कैसे होती है? पता नहीं, खाना पीना तो ना छोड़ा करे. मुझे तो अगर कोई कहता है कि जी आप मोटी हो गई हैं, अपने आप को थोड़ा कम करो, ये करो वो करो, तो मैं तो बिल्कुल भी जो है वो खाने से जो है मैं बिल्कुल पीछे नहीं हो सकती. और मैं जो है खाती बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती. डाइट तो छोड़ दे, दूर की बात है. हाँ एक्सरसाइजेस वगैरह की जा सकती है, वॉक शॉक की जा सकती है, वैसे हो जाता है इंसान. वो मुझे पता है, वो तो सब कुछ है, तो बस खाना खाए. क्या मेरा ये होता है कि घर में अगर मैं नाराजगी होगी ना तो मैंने फौरन से पहले खाना छोड़ना होता है. अम्मी की कहते हैं तुम्हें हो क्या जाता है जब मैं खाना छोड़ देती हूँ. अच्छा लेकिन पता है क्या, वो फिर होता है बस थोड़ा सा दिल नहीं करता, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही आदत हो जाती है. और मुझे रात से इतना तेज, रात 12 बजे से टेम्परेचर है, और अभी आपकी आवाज सुनकर थोड़ी फ्रेश हुई हूँ.
ओहो चले आई गेट वेल सून कहते हैं आपको अगर टेम्परेचर है इसको देखिए ज्यादा ना हो जाए आप ये नहीं अब खत्म होने वाला सर्दियाँ आ रही हैं सर्दियों में मेरा यही हाल है चले जी गेट वेल सून और क्या वो आंटी जी आई है नेबर्स की वो भी मुझे कहते हैं शमा तुमने तैयार नहीं होना कब होना है तो हमने जल्दी से तैयार हो मैंने कहा अच्छा आंटी जी थोड़ी देर तक होती हूँ वो चली गई उसके बाद एक और आंटी आई वो भी मुझे कह के चली गई अभी फिर आई है वो मुझे जबरदस्ती उठा के कहते तुम्हें खाला की तरफ लाजमी अब जाना है तुम उधर जाओ अपनी बहनों के साथ तो या फिर मेरी तरफ आ जाओ तो वो फिर मुझे उठना पड़ा मैंने कहा अब मैंने आप ही का शो भी सुनना है आप ही के शो के बाद मैं चली जाऊंगी पहले नहीं जाना मैंने थैंक यू सो मच और जी आपकी वजह से मेरा दिल नहीं चलता अब कल भी था तो कल भी नहीं मैं गई आज फिर है तो आज मैं कह रही 6 बजे के बाद ही जाऊंगी अगर गई तो चले ठीक है शबा शाहीन थैंक यू सो मच यू आर मोस्ट वेलकम सबको ईद मुबारक बहुत ज्यादा और हमेशा खुश रहे दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें और जाते जाते जस्ट इतना ही कहूंगी चाय में जरा सी मिठास तो घोल दें चाय में जरा सी मिठास तो घोल दें बहुत फीकी सी है एक लहजे जैसी पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफिज और जो लिसनर्स हैं ये पेज मेरे सामने है हमारा जो कि है www.facebook.com/powerradio99 इस पे खसूसन कोई पोस्ट तो नहीं हुई हुई है लेकिन पावर 99 की शेड्यूल जो यहाँ पे मौजूद है जो रिसेंट पोस्ट है उस पे आप कमेंट भी कर सकते हैं मैं कमेंट आपके यहाँ से शामिल करूंगी जो रिसेंट पोस्ट है पावर 99's शेड्यूल फॉर ईद उल अजहा 2016 जिसमें हम सब का जो स्केड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है उसके मुताबिक जैसे कि जी आरजे सिद्रा थी 2 बजे से लेके 4 बजे तक और मैं हूँ अब और जी मेरा नाम तो आप जानते होंगे दिस इज आरजे हया खान एंड उसके बाद जी टी टाइम विद यूएस होगा फिर आरजे काशिफ मलिक हैं 7 बजे से लेके 9 बजे तक हैं आरजे डॉक्टर अली हैं जो कि 10 बजे से लेके रात 12 बजे तक रहेंगे तो यहाँ पे आप कमेंट हमें कर सकते हैं आपके कमेंट्स में यहाँ से शामिल करूंगी लेकिन विजिटर पोस्ट जो यानी आप हमारी टाइमलाइन पे भी कर सकते हैं और जिले के आप वहां पे छोड़ दीजिए वो कमेंट में वहां से जाके पकड़ लूंगी तो दोनों तरीके कार से आप कर सकते हैं हमें कमेंट हमने कहा था कि जी हम आपकी ज्यादा सी कॉल्स लेंगे और अभी तक एक कॉल ली है और मुझे ना आपकी बहुत ढेरों कॉल्स लेनी है इसलिए थोड़ी सी शॉर्ट शॉर्ट बात करनी है अब शम्मा शाहीन ने तो बात कर ली जितनी करनी थी लेकिन अब थोड़ी सी शॉर्ट शॉर्ट बात करनी है वैसे भी वो फर्स्ट कॉलर थी तो जो भी हमारा फर्स्ट कॉलर होता है हम उनको जो है वो आसानी उनके लिए यानी जाहिर सी बात है फर्स्ट कॉलर है वो तो उनको थोड़ा सा हम जो है कॉल एक्सटेंड करने का मौका दे सकते हैं लेकिन अब काइंडली थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट मैसेज और जी जिसको भी जो मैसेज देना है आप सोच के रखिएगा आपकी कॉल जरूर आज मिलेगी क्योंकि मैं फॉरेन कॉल्स पिक करूंगी अस्सलामु अलैकुम हमारे साथ कौन है वालेकुम अस्सलाम कौन है हमारे साथ जी उबैदुल्ला जदून बात कर रहा हूँ एबटाबाद से उबैदुल्ला जदून आपको एबटाबाद से वेलकम करते हैं कैसे हैं आप उबैद जी कैसे हैं आप क्या कहना चाहेंगे आपको ईद मुबारक हो खैर मुबारक हो मैं ऑन एयर हूँ अभी जी बिल्कुल आप ऑन एयर हैं शुक्र खुदा का 27 का ने आपको डायल की तब जाके नंबर लगा चलिए 28वें पे लग गया आपका यानी कि 28 लकी नंबर है जी बिल्कुल ओके उबैद बताइए क्या कहना चाहेंगे किसको विश करना चाहेंगे मैं अपना एक दोस्त है उमर खान उसे विश करना चाहूंगा ओके करिए मेरी एक स्टूडेंट है कायनात उसे विश करना चाहूंगा ईद मुबारक और पूरी कौम को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा जिस तरह हमने ये जानवरों की कुर्बानी करके हजरत इब्राहिम को जिंदा किया इसी तरह अगर हम मुसलमान दूसरों के लिए भी कुर्बानी दें तो कितना ही अच्छा हो जाए बिल्कुल जी देखें अगर आपके लाइट लाइट रेड लाइट सिग्नल पे लगते ही हम लोगों में इस तरह का एक टेम्पर्ड हो जाती है कि हमें इधर वेट करना पड़ेगा ये जो हो कि हम इस तरह रेड लाइट लगे और हम बिल्कुल सुकून से रुक जाएं और जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन हो यहाँ हॉर्न पे हॉर्न नॉइज पोल्यूशन इतनी ज्यादा इन चीजों को हमने कंट्रोल करना है बिल्कुल सही कहा आपने बेसिकली ये जो ईद उल अजहा है हमें इस बात का दर्श देती है हजरत इब्राहिम के साथ साथ तो मेरी पूरी कौम के लिए यही पैगाम है चलें जी थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया है नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम हमारे साथ कौन है
अभी शाहिद उस्मान बात कर रहा हूँ टर्बिलेडेंस से। कैसे हैं आप और शाहिद बताइए। लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं आपके 14-15 महीने से मैं आपका शो सुनता था और नाइट को मैं सुनता था आपका शो जुम्मे और हफ्ते पार को। अच्छा, तो आज कॉल मिली आपकी फर्स्ट टाइम? पूरी शो मैं शुरू से कॉल मिलाता था, पूरी शो गुजर जाती थी लेकिन मेरी कॉल नहीं मिलती थी, कभी इतना तंग हो जाता था और मुझे खुशी मिली जो 15 महीने बाद मेरे बात की। थैंक यू सो मच। अच्छा तो शाहिद नाम बताया ना आपने? शाहिद उस्मान। तो शाहिद उस्मान बताइए, ईद कैसे गुजरी है, क्या करते रहे सुबह से लेके अभी तक? अभी मैं तो सोल्जर हूँ, मेरे जो दूसरे दोस्त है उनकी तो छुट्टी आ रही थी ना, तो ईद के बाद आ रही थी, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा कि मैं यही कर सकता हूँ कि आप लोग ईद घर में गुजार लें, आपकी जगह मैं ड्यूटी कर लूंगा, तो मैं डबल ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं सुबह से ड्यूटी पे। ओहो, चले जी, सो स्वीट ऑफ यू। और जी चले आप अपनी ड्यूटी करें, लेकिन आपने हमें याद किया और 15 महीने बाद आपने कहा कि कॉल मिली है। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक हमेशा तेरा खुश रखे, सलामत रखे। 15 महीने से मैं आपके शो सुनना, तो पूरे दोस्त मेरे सुनते थे नाइट को, जुम्मा और हफ्ते इतवार को हम शो सुनते थे, मैं कॉल मिलाता लेकिन पूरे शो गुजर जाता था, मेरी कॉल नहीं मिलती। चलें जी, इंशाल्लाह मिला करेगी। अल्लाह आपको इसी तरह सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, नेक्स्ट कॉल है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है जी? जाहिद। जाहिद, जाहिद आपने पहले भी तो नहीं कॉल की थी आरजे सिद्रा के प्रोग्राम में? नहीं नहीं, पहली दफा की है। अच्छा चले, जो भी जाहिद है जिन्होंने आरजे सिद्रा के प्रोग्राम में कॉल की थी, वो दोबारा जरूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि मुझे आरजे इजाज ने बताया है कि वो आपके बहुत अरसे से आपको कॉल कर रहे हैं और कॉल नहीं मिलती है। खैर जाहिद, आप मुझे बताइए आप कहाँ से हैं? बिहारी से है। अच्छा, बिहारी में शो आ रहे हैं ना? हाँ। चले बहुत अच्छी बात है, वरना बिहारी वालों को थोड़ी सी शिकायत रहती है ना? नहीं नहीं, हमें तो नहीं हुई अभी तक तो। अच्छा चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताइए, बिहारी में क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है अभी? क्या सब लोगों ने कुर्बानी कर ली है या अभी भी बहुत ज्यादा गहमा गहमी है और जी रश पड़ी हुई है? नहीं नहीं, रश वगैरह तो नहीं है, वैसे कुर्बानी कर ली है, कुछ कर रहे हैं यानी लगे हुए हैं अभी, बाकी तकरीबन सबने कर ली, हमने तो कर ली है। ओके, तो करके आप अब क्या कर रहे हैं, अब क्या आपका प्लान है आगे का, कैसे ईद गुजारेंगे आगे? कल का तो है प्लान, दोस्तों के साथ गुजारेंगे, आज तो सारा दिन घर ही गुजार दिया। अच्छा, कल के इंशाल्लाह दोस्तों के साथ। चले ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ कौन है? मैं हमाद सती बात कर रहा हूँ रोशनगी से। कैसे हैं हमाद सती? ये अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक उनकी जानिब से भी, थैंक यू सो मच। और असल में रात को मैं काफी कॉल करता रहा आपके शो में, पर मिली है सभी, आज मिली है ईद के मौके पे, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं एक लाइन थोड़ा सुनाना चाहूंगा। जरूर सुनाए जी। जरूर, थैंक यू। वे लिख दो आसमां पर ये बढ़ लेगा जहां सारा, ओ आना होगा कोई यहाँ हम दो का दोबारा, मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत अब से लाया हूँ। दादा अब फील होगा आपका, इतने सुनूंगा जितने भी मुझे लिखना सुना, सबको ईद मुबारक और खुश रहिए और खुश रखिए सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं सगीर खान? ईद मुबारक, मैं भी ठीक हूँ। ओके, तो सगीर खान आप बताइए कि आप किसको विश करना चाह रहे हैं? मैं आपको विश करना चाहूँगा। अच्छा मुबारक। अच्छा, अजान हो रही है, जरा थोड़ा सा हम गैप देते हैं। बिल्कुल अजान। ओके जी, सगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं और जी आप हमें फीडबैक अपने सेंड कर रहे हैं, जैसे कि कुछ फीडबैक मेरे पास यहाँ पे आए हैं। आप जो है दो तरीका कार से फीडबैक कर सकते हैं आज, या तो आप हमारी टाइमलाइन पे अपना फीडबैक सेंड कर दीजिए, यानी आप www.facebook.com/powerradio99 पे आइए, वहां पे टाइमलाइन पे अपना फीडबैक सेंड कर दीजिए, या आप जो हमारी रिसेंट पोस्ट है, एक तो यूट्यूब वाली पोस्ट है, यानी यूट्यूब का आपको लिंक मिलेगा जो
जो कि अटैच है, पिंट हुई हुई है, वहाँ अगर उसको क्लिक करेंगे तो आप जो है वो वीडियो स्ट्रीमिंग जो है हमारी वो सुन सकते भी हैं और देख भी सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पोस्ट है आप वो देखेंगे, उसमें हमारा शेड्यूल है आरजेएस का, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स में वहां से अब शामिल कर रही हूँ, जैसे कि जी कमेंट मेरे पास मौजूद है, किन का है जी, अच्छा जी हारी सवान ने हमें ट्यून किया हुआ है और आपने कहा है कि जी आप ही आपको और सब मुस्लिम्स को ईद मुबारक। कासिम रजा अवान कहते हैं कि जी डेडिकेट टू आरजे आप ईमान खियानी, साजिद हुसैन, नदीम अकरम, मोहम्मद अफसर, दुरे शहवार बुरे वाला से, और ट्रैक जो है मिले हो तुम हमको। ओके इसके अलावा जी हमें शरीफ है, शरीफ रहने दो, यानी नादिया क्या कहती हैं, कहती हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम हया, ईद मुबारक हो आपको, बड़ी बेसब्री से वेट था आपका, तो आज तो आप अच्छा आज आप ढोल बजा के बारात के साथ आई हैं और साथ में की पी कर रही हैं, और आपने कहा आप ही हम कुर्बानी हमने कुर्बानी कर ली है और पूरी फैमिली के साथ कजन की तरफ आई हूं और वहां आपका शो सुन रही हूं, मेरे साथ मेरी कजन सोनिया और अनम भी हैं और उनको वेलकम कर दीजिए। सोनिया और अनम आपको हम दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। और आपने कहा है कि जी मेरे हिस्से का मीट लोगी ना, और आपसे ना रखा तो आपने ना रखा तो मैंने देना आपको नहीं सब सुनने वालों को। अच्छा चले ठीक है, मीट की जहाँ पे बात कीजिए मैंने बिल्कुल वो कहते हैं ना कुर्बानी का गोश्त जो है वो आपको चखना होता है ना थोड़ा सा, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा वो पक रहा था तो थोड़ा सा चख के आ गई, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप अगर कुर्बानी करते हैं तो आपको रोजा रखना होता है जब तक, यानी ये मुस्तहब है कि आप ये रोजा रखें और आप कुर्बानी का जो गोश्त होता है उससे या अपने दिन का आगाज करें। तो हमारे दिन का आगाज तो यानी कुर्बानी जब हुई और चार बज गए थे, और साढ़े तीन बज गए थे जब फ्री अभी भी नहीं हुए थे, तो मैंने तो थोड़ा सा ले लिया है। और जी अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ जो है मुझे पानी पी लेना चाहिए, मेरा ख्याल है क्यों ना दिया। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर सगीर खान थे, और सगीर खान क्या कहते हैं जी, हेलो हेलो जी सगीर खान बताइए। हाँ जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बहुत से लोगों ने कुर्बानी की है, तो कुर्बानी तो उन्होंने कर ली है, गोश्त भी ले गए हैं, हड्डियां भी ले गए हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि गलाजत जो होती है वो वहीं छोड़ जाते हैं, जो ओजरी होती है, खून के वो होते हैं, निशानात होते हैं, उसको साफ नहीं करते, ओपन जगह पे करते हैं, हड्डियां वगैरह ये चीजें वहीं पे छोड़ देते हैं जो कि बहुत ज्यादा गंदगी और बदबू का बायस बनती है, तो वहाँ जो आसपास लोग रह रहे होते हैं वो उनका फिर दो तीन दिन तक वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी बहुत सख्त स्मेल आ रही होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, और इस पे कवे भी आ जाते हैं और रात को जो है वो मुख्तलिफ जानवर भी उस पे आ जाते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ उनकी पार्टी होती है उस पे, तो इस चीज का ख्याल कीजिएगा कि ये छुट्टियों के दौरान सफाई वाले भी नहीं आते, तो आपने खुद ही उस चीज को साफ रखना है, सही कहा, क्योंकि गोश्त तो आप लेंगे लेकिन वो चीज जो है उसको भी आपने टिकाने लगाना है, प्रॉपर आप उस चीज को टिकाने लगाएं जैसे टिकाने लगाते हैं, और जहाँ पे आपने जबा किया है गड़ा खोद के उसको कर दें या धो दें जगह को, ताकि गंदगी ना बने और बाकी लोगों का जो है वो मुश्किल ना हो। चलें बिल्कुल सही बात आपने की है, बहुत अच्छा पैगाम दिया है ये। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अक्सर जो होता है लोग कुर्बानी करके इतना गोश्त अपने लिए रख लेते हैं कि वो दो दो हफ्ते तक मुख्तलिफ चीजें बाहर वाले सहन में बना रहे होते हैं और लोगों को दिखा रहे होते हैं, देखो हम बना रहे हैं, बस हम तो दिखावा ना करें ना, ये बात बिल्कुल ठीक है, कही है दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए कि आपने अल्लाह की राह में कुर्बान किया है तो अल्लाह की राह में उसको तकसीम करें। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर में कुछ भी नहीं पहुंचा होगा और वो आपके मोहल्ले में ही होंगे और वो बेचारे देख के सोच रहे होंगे कि ये देखो, तो ऐसे में फिर कुर्बानी भी कबूल नहीं होती जब कोई हकदार रह जाए आपके मोहल्ले में स्पेशली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसलिए ये चीज देखे कि अगर आप इतना पैसा खर्च करते हैं तो अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, जी तो अल्लाह की राह में दें, जी बिल्कुल आपकी कुर्बानी कबूल हो जाए, बिल्कुल ठीक कहा, थैंक यू सो मच सगीर खान, अपना ख्याल रखिएगा, ओके जी आपको ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
अच्छा जी, और फिर लॉन्ग कॉल हो गई है जी, छोटी छोटी कॉल्स करो ना, इतनी बड़ी बड़ी कॉल्स कर देते हैं। देखिए ना, 15 महीने बाद जो है शाहिद की कॉल मिली है। तो अस्सलाम वालेकुम, कौन है? वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ कौन है और कहाँ से? मैं मिसबा बात कर रही हूँ। मिसबा कहाँ से बात कर रही है? कलर सईदा से। अच्छा जी, कलर सईदा से आपको वेलकम करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं और कैसी गुजर रही है ईद? कौन से कलर का ड्रेस पहना हुआ है आपने? गोश्त खाया कि नहीं खाया? सारे जवाब दें। हाँ, गोश्त अभी तक नहीं खाया, और ड्रेस से मेरा जो है वो मैरून कलर से है। और ईद अच्छी गुजर रही है मेरी तरफ से, आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो मिसबा। खैर मुबारक, आप ही मुझे ये बताएं कि आपने कल गेम शो किस वक्त चलना है? कल किस टाइम? 9 बजे से लेके 11 बजे तक शो होगा। रात को सही है, मैं जरूर उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। और आज मेरी बर्थडे भी है। आज है? हाँ जी बिल्कुल आज है। ओह, हैप्पी बर्थडे टू यू मिसबा। थैंक यू सो मच। एंजॉय करो फिर, डबल एंजॉय है ये तो आपका। हाँ जी बिल्कुल, आज डबल एंजॉय है। और आप ही, आपने मुझे गाना भी डेडिकेट करना है। कौन सा वाला सॉन्ग सुनना है आपने? मैंने सुनना है सारे समीर पर मूवी से बम बम बोले। चले मैं जरूर सुनाऊंगी आपको अभी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। मैंने उसको ना रिकॉर्ड करना है, अभी करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ओके जी, हमारे साथ आपको एक दफा फिर कहेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड हैप्पी बर्थडे टू यू।